नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों कल टाटा मोटर्स ने, जो कि मैंने आपको बताया था, टाटा पंच की कैमो वेरिएंट को लॉन्च कर दिया और ये 15,000 आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगा। एडवेंचर से ये स्टार्ट हो जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आई है कि लोगों का जो सबसे बड़ा सवाल है ये है कि भैया आप टर्बो कब दोगे। बहुत सारे यूजर्स ऐसे कह रहे हैं, ट्विटर पर अगर आप जाके देखो या बहुत जगह पर हमने बात भी की तो हमें पता चला कि उनका कह रहा है कि अभी कलर वेरिएंट से ज़्यादा टाटा मोटर्स को अपने इंजन को इम्प्रूव करने पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप अगर देखो डार्क एडिशन, उसके बाद आप जेड एडिशन, उसके बाद आप देख लो काजीरंगा एडिशन, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एडिशन को लॉन्च कर रहे हैं बट विद द सेम हार्ट, क्योंकि इंजन ही हार्ट है गाड़ी की। तो टाटा पंच में अभी सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका टर्बो इंजन का, और बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं टर्बो इंजन का कि टर्बो इंजन आएंगे तब उसके बाद वो गाड़ी परचेस करेंगे। कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर आप टर्बो इंजन नहीं दोगे तो फिर दूसरे कार जो हैं, दूसरे जो कॉम्पिटिटर कार हैं, वो आपसे आगे निकलते हुए हमें कुछ दिनों में नज़र आएंगे। आपने लुक काफ़ी बढ़िया बनाई है, आपने डिज़ाइन तो पहला ही था, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई आपने अंदर में किया है, इंटीरियर में डैशबोर्ड को खूबसूरत कर दिया है, सीट भी काफ़ी अच्छी देखने में लग रही है। बट लेकिन जो पब्लिक की रिक्वायरमेंट है वो है अभी आपका खासकर टर्बो इंजन का। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द टाटा मोटर्स को काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो तो मारुति ने जो फेसलिफ्ट किया तो बहुत सारे फीचर्स उन्होंने ऐड ऑन कर दिए हैं जो कि अभी टाटा मोटर्स वहां तक पहुंची नहीं है। तो आप सेफ्टी के नाम पे हर समय सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए मेरे ख्याल से टाटा पंच में भी आपको कुछ ऑप्शंस और अवेलेबल करा देने चाहिए। और एक साल के ऊपर हो चुका है, अभी टाटा टियागो की भी ईवी आने वाली है, तो टाटा मोटर्स पूरे लाइनअप में लगी हुई है कि काफ़ी सारे वेरिएंट और कार वो मार्केट में उतारने को तैयार हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो अभी सबका रिक्वायरमेंट है टाटा पंच की टर्बो। तो मेरे ख्याल से आप लोग को क्या लगा कि ये कलर वेरिएंट जरूरी था या टाटा पंच में अभी टर्बो ज़्यादा जरूरी है? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।